डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ चुके हैं, जिसके नतीजे में हमें पोलन ग्रेन मिला था, जिसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है और दो स्पर्म मौजूद है और ये सारे हेप्लॉयड है, जबकि यहाँ पे ओव्यूल मौजूद है ओवरी के अंदर, जो के ओवरजेनेसिस हुआ था और उसके नतीजे में फ्यूजन न्यूक्लियस बचा था जो कि डिप्लॉइड है। इसके अंदर ये दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं जिनकी वजह से इस पूरे को हम डिप्लॉइड कहते हैं, और नीचे जो है एग जो है वो हेप्लॉइड है। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, जब ये पोलन ग्रेन तैयार हो जाते हैं तो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर। तो पोलन ग्रेन जो है वो हवा के जरिए या किसी भी जरिए से बाय मींस ऑफ वाटर या अदर मींस है उसके जरिए ओवरी के स्टिग्मा पे पहुंचते हैं और वहां जाके ग्रो करना शुरू करते हैं। अब जब ओवरी के ऊपर वाले स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पहुंच जाता है, ये पोलन ग्रेन पहुंच गया, तो उसके अंदर से एक ट्यूब निकलती है, यहाँ पे ओव्यूल मौजूद है और ये रहा ओव्यूल का हॉल और ये रहा ओव्यूल का नीचे वाला सिरा जहाँ पे माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ से ट्यूब अंदर दाखिल होगी। यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूजन न्यूक्लियस और एंड मौजूद है। अब जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है तो पोलन जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये एक ट्यूब बनाता है जो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करती है, इसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। इसके आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है और स्पर्म इस ट्यूब के जरिए नीचे आ जाते हैं, ये रहे दो स्पर्म। तो ट्यूब न्यूक्लियस इस ट्यूब को ग्रो करेगा, ये ट्यूब यहां से चलते चलते इस एग तक पहुंच जाएगी और नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करते करते इस एग तक आ जाएगी। तो यहां से पोलन ट्यूब यहां आएगी, रोक जाए